झारखंड के जनजातीय समूह अलग अलग और नेचुरल रिसोर्सेज से कई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका एक अच्छा खासा मार्केट भी अब धीरे धीरे होने लगा है। अभी हम खूंटी के बिरसा कॉलेज में हैं, जहां पर आज जनजातीय गौरव महोत्सव के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था और उसके बाद ये पूरा एक स्टॉल भी लगाया गया है, जहाँ अलग अलग राज्य से लोग जो है, जनजातीय समूह के लोग जो है, अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं। हम अभी झारखंड के स्टॉल पे हैं और झारखंड के स्टॉल में ये देखिए मोती और सीप, सीप से किस तरह से मोती डेवलप होता है इसकी भी जानकारी दी जा रही है और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये क्या है? ये सीप है, हम लोग यहाँ लोकल भाषा में सितुआ भी बोलते हैं और हर जगह में अलग अलग चाशनी भी बोलते हैं। और सीप जो है एक फ्रेश वाटर वाले होते हैं, एक आपका सॉल्ट वाटर वाला होते हैं और ये हमारे झारखंड में जो है फ्रेश वाटर है, यानी कि पूरी भारत में ये फ्रेश वाटर वो वेस्टर है। तो इसके अंदर पे हम लोग क्या करते हैं, इसका पानी में वातावरण मैनेजमेंट करते हैं और वो पानी जैसे हम दूसरी जगह से लाते हैं, लाने के बाद में वहाँ का पानी का वातावरण दूसरा रहता है, हमारा पानी का वातावरण दूसरा रहता है। तो हमको अपना पानी में सर्वाइव कराने के लिए पहले हम सीसीयू से हम गुजरते हैं, पर सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट, उस पानी का वातावरण अलग था, हमारा पानी का वातावरण अलग है। तो हमारा पानी में सर्वाइव कराने के लिए 3 दिन तक का शिशु करते हैं, उसको कुछ नहीं खिलाते हैं, उसके बाद हम उसको जो है ना उस तरह का सर्जरी सेक्शन पे वो ले के जाते हैं, है ना, इस तरह का सर्जरी सेक्शन पे ले जाते हैं। सर्जरी करने के बाद में सर्जरी में हम इम्प्लांट करते हैं, बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद में फिर 2 दिन का हम वो शिशु करते हैं। शिशु करने के बाद में यहाँ पे मेडिसिन चलता है, उनका एंटीबायोटिक मेडिसिन चलता है, उसके बाद इस तरह का हम कंटेनर या तालाब या कंटेनर या वो कंटेनर या फिर तालाब में छोड़ देते हैं, उससे वो जिंदा रखते हैं, 1.5 से 2 साल तक जिंदा रखते हैं। तो उसका ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग होते होते धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, फिर 1.5 साल में हमारा इस तरह का मोती तैयार होकर के निकलता है। मोती से क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप? मोती तो सिर्फ ज्वेलरी बनता है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजिस्ट के हिसाब से उसको पहना जाता है। एक्चुअली ये पेशेंट से रिलेटेड है ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट की दृष्टि से उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं है, जो कि मैं पूरी भारत में इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं है जितना ज्वेलरी पार्ट पे इसकी अच्छी वो मार्केटिंग है, तो काफ़ी अच्छा वो निकलती है। अगर लोग इसके व्यवसाय के बारे में करना सोचे तो कितना खर्च लगता है, लागत लगता है और क्या आमदनी हो सकती है? सुनिए, एक सीप में आपको 42 रुपये की खर्च आती है, वो लेबर से लेकर के सारा मैनेजमेंट मोती तैयार होने तक 1.5 साल की खर्च है। और एक मोती की दाम होती है 250 रुपये से स्टार्टिंग होती है 25-30 हज़ार तक, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज पे, प्योरिटी कितनी है। जैसे सोना बेचते हैं तो 22 कैरेट 24 कैरेट की होती है, बस उसी तरह से। बट ये जो है दुकान वाले लोग इसकी मार्केट को ख़राब करके रखे हैं कि इसको कैरेट पे बेचते हैं, ठीक है, एक्चुअली मोती आप कैरेट पे बेच रहे हैं तो सोना पे आपको पता है कैरेट कितनी की होती है, है ना, 22 कैरेट 24 कैरेट। तो राती पे बेच रहे हैं तो उसकी वो प्योरिटी को भी वो डिक्लेयर करना चाहिए, वो लोग डिक्लेयर नहीं करते, यानी कि सोनार दुकान को भी ये पता नहीं है कि हम मोती जो है ये हमारा कितनी परसेंट प्योरिटी है। हम सब प्योरिटी पे कैल्शियम कार्बोनेट की प्योरिटी पे बेचते हैं। झारखंड में कितने लोग इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं? अभी तो हमारा जो है ना यहाँ पे 80 स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट निकल के अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं को इस तरह का व्यवसाय करना हो तो कैसे इसकी जानकारी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? यह आप रांची में हमारा रिसर्च सेंटर है, हमारा रिसर्च सेंटर से उसको पूरी तरह का जानकारी मिलेगी। हमारे पास में निःशुल्क का भी प्रशिक्षण परियोजन है ना, आप वो निःशुल्क भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं 18 से 35 वर्ष के बीच में, और वो जो निःशुल्क ट्रेनिंग लेते हैं हम सीप, उससे उसको 5 पैसा नहीं लगता है, ये कंटेनर सीप और सारे व्यवस्था हम उनको दे देते हैं, ताकि वो मोती एक बार निकाल लेता है तो उनके साथ हम फिर कोशिश करते हैं कि फिर मिल के वो और काम किया जाए उनके साथ में। कितना जगह का जरूरत पड़ता है इस तरह का बिजनेस करने? शुरू में जो है ना वो इस तरह का कंटेनर में काम कराते हैं, कंटेनर में एक सीप को वो जीवित रखने के लिए 25 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, तो एक कंटेनर में अगर वो सफल होते हैं तो फिर उनको जो है वो उनको खुद ही पता चलता है कि हमको कितना इसमें पैसा लगाना है, कितनी बड़ी जगह पे करना चाहिए। जी जी, प्यारे प्यारे प्रोडक्ट भी हैं, ज्वेलरी भी है, ये शायद कान में पहनने वाला है। हाँ, कान में पहनने वाला है। इसकी कीमत क्या होती है? इसकी 1200 रुपये की है, 1200 नहीं 1400 की है। ये एक मोती हमारा जो है वो 250 रुपये से स्टार्टिंग होती है, ये एकदम प्योर मोती। प्योर मोती ये है आपका 97% प्योरिटी है, कैल्शियम कार्बोनेट की। हाँ जी, देखिए अलग अलग टाइप की ज्वेलरी है और
झारखंड सरकार की तरफ से आप लोगों को सहयोग मिला? झारखंड सरकार से जी नहीं, हमें वो जनजातीय मंत्रालय ट्राइपेड से सहयोग जी। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो है मोती के प्रोडक्ट्स को किस तरह से बनाना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी और क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा इस स्टॉल में बताया जा रहा है। और कहें तो एक स्वरोजगार का अच्छा साधन है और झारखंड के लोग अगर इसको करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। शुक्रिया भाई। इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं पिकनिक स्पॉट, जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।